असलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से होंगे। जैसे कि मेरा नाम है राकेश जिंदगी और मेरे चैनल का नाम है जुम्मत ZS। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बहुत जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे जो वीडियो है सारी जिम की है, जिसमें आपको चेस्ट, बैक, शोल्डर, थाई, एब्स सब वीडियो आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह आप अभी जो है मैंने वीडियो बनाई है चेस्ट और बैक की, तो ये भी आप करके देखें। इंशाल्लाह आपकी चेस्ट भी ग्रोथ होगी और बैक भी ग्रोथ होगी। जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज से। पहले राउंड लगाते हैं, उसके बाद हम आपको दूसरी एक्सरसाइज बताएंगे। सबसे पहले आपको ये वाली राउंड लगानी है चेस्ट में, इस तरीके से आपको ये वाली राउंड लगानी है। ये देखिए आपको, और यहाँ तक आना चाहिए चेस्ट के बिल्कुल करीब, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है। ये भी आपको तीन से लगाना है और आराम आराम से लगानी है। बेंच प्रेस की राड के बाद आपको ये वाले डंबल लगाना है इंक्लाइन में चेस्ट के, और ये भी इसी तरीके से लगाना है आपको, और यहाँ तक आना चाहिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बिल्कुल इसी तरीके से लगाने हैं। ये भी आपको तीन सेट लगाने हैं और इसी तरीके से आराम आराम से लगाने हैं आपको। आपको इंक्लाइन वाली तरीके राउंड लगानी है, ये इसी तरीके से आपको लगानी है, ये देखो, और ये याद लगाना चाहिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है। और ये भी आपको तीन सेट लगाने, इसके बाद आपको बेंच प्रेस डंबल लगाने, इंक्लाइन के राड के बाद आपको ये वाले डंबल लगाना है बेंच प्रेस के, और इंक्लाइन लगाना है आपको इस तरीके से लगाना है, और ऐसे लगाना है यहाँ लगाना चाहिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह,
बिल्कुल इसी तरीके से लगा रहे हैं और ये भी आराम आराम से लगा रहा है और इसके भी तीन सेट लगा रहे हैं आपको। बेंच प्रेस जंपर के बाद आपको ये इंटरनल लाइन वाली राह लगानी है ये इस तरीके से और ये इस तरीके से लगानी है आपको। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ये भी आपको इसी तरीके से लगानी है। रात के बाद अभी आपको इंक्लाइन वाले डंपर लगाने हैं। अभी हम इंक्लाइन वाले डंपर लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे लगाने आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगाने हैं। ये कि आपको तीन सेट लगाने हैं और आराम आराम से लगाने हैं और इसके बाद हम केबिन क्रॉस लगाएंगे उसके भी तीन सेट लगाएंगे। उस डंपर के बाद आपको ये केबिन क्रॉस लगानी है इस तरीके से और ये सीधे पास में से करना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगाने हैं और ये भी आपको तीन सेट लगाने हैं। आपको ये वाला सेल लगाना है इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगाने हैं। ये भी आपको तीन सेट लगा रहे हैं। उसके फिर क्रॉस के बाद आपको ये वाला सेट लगाना है इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बार। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले आपको तीन से लगा लेंगे। उसके बाद आप ये फिर बटरफ्लाई लगाएंगे ये भी आपको तीन से लगाना है इस तरीके से एक दो तीन
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है, ये भी आपको तीन सेट लगाना है और आराम आराम से लगाना है। इसके बाद ये वाला क्लोज ग्रिप लगाएंगे, आपको ये वाली बटरफ्लाई लगानी है मगर ये क्लोज लगानी है आपको इस तरीके से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है, ये भी आपको तीन सेट लगाना है और ये भी आराम आराम से लगाना है। आपको ये वाली प्लेट लगानी है, इसलिए ये देखिए आप इस तरीके से लगानी है आपको। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है, ये भी आपको तीन सेट लगाने हैं। उसके बाद आपको ये डंपर लगाने हैं इस तरीके से इंक्लाइन में, ये भी उस प्लेट के बाद आपको ये वाले डंपर लगाना है इस तरीके से। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। इसके बाद आपको पुलावर लगाना है और इसके भी डंपर के तीन सेट लगाने हैं। आप डंपर के बाद आपको ये वाला डंपर लगाना है पुलावर का, और ये आपको इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए आप बिल्कुल की चीज आ जाए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है, ये भी आपको तीन से लगाना है। तो ये जेस की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो अभी हम बैक की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी हम पहला सेट ये विंग्स का लगाएंगे और इसी तरीके से लगाना है आपको। एक दो तीन चार पाँच छ सात
दस ग्यारह यदि आपको तीन से लगा लें उस सेट के बाद आपको ये वाला सेट लगाना है डंपर का, ये भी बे का सेट है और विंग्स का इस तरीके से लगा लें आपको एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बिल्कुल इसी तरीके का लगाना है और ये भी आपको तीन सेट लगाना है। उसके बाद आपको ये वाला तीसरा सेट लगाना है इस तरीके से, ये देखिए आप, और ऐसे लगाना है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है, ये भी आपको तीन से लगाना है और आराम आराम से लगा लें आपको। उस राट के बाद आपको ये वाली मशीन लगानी है इस तरीके से और ये सामने लगानी है इस तरीके से दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है, ये भी आपको तीन से लगाना है और ये भी आपको आराम आराम से लगाना है। जैसे आपको ये मशीन लगानी है मेरे सामने लगा दिया, अभी आपको ये बैक में लगानी है इस तरीके से और ये भी आपको बैक लगानी है इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है, ये भी आपको तीन सेट लगाना है और बारह आराम से लगा लें और आराम आराम से लगा लें, ये भी बैग का बेस्ट है। इसके बाद आपको ये वाली बात लगानी है, ये भी बैग की है और इस तरीके से आपको लगानी है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बिल्कुल इसी तरीके से लगाने हैं, ये भी आपको दस से बारह रेप्स लगाने हैं और ये भी आपको तीन सेट लगाने हैं और आराम आराम से लगा दिया। उस बैक पर लगा के बाद आपको ये वाला सेट लगाना है इस तरीके से एक दो तीन
चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ये भी आपको तीन से लगाना है और दस से बारह। उस सेट के बाद आपको ये वाला डब्बा लगाना है, देख रहा है इस तरीके से लगाना है आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। डबल के बाद आपको ये वाला सेल लगाना है, ये भी आपको तीन से लगाना है और दस से बारह चलाने से लगाने आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगा रहे हैं, ये भी आपको तीन से लगाना है। इसके बाद अभी हम पहले लगाएंगे उस सेट के बाद आपको ये वाले डेली लगा लेंगे इस तरीके से। ये भी आप एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है और ये भी आपको तीन से लगाने हैं और दस से बारह तक लगाना है। तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।